शारदीय नवरात्रे की आज महाअष्टमी के अवसर पर पटना के अलग अलग देवी पंडालों में भव्यता देखने को मिली है। बता दें कि यही वह मां दुर्गा का स्थान है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही पूजा अर्चना कर गए और यह जगह सुप्रसिद्ध है। यहां दूर दराज से भक्त आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। इस पंडाल की खासियत का जायजा लिया है पटना संवाददाता अमलेश आनंद ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अभी मैंने पटना के और ऐसे पंडालों का भ्रमण करवाया, चूँकि आपको पता है आज अष्टमी है, महाअष्टमी का दिन है और ये शारदीय नवरात्रा का महाअष्टमी बहुत मायने में एक स्थान रखता है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं माँ दुर्गे की प्रतिमा पीछे है, और इस जगह के बारे में मैं बताऊँ, ये जगह जो है ये खाजपुरा है, शिव मंदिर का ये प्रांगण है और ये प्रचलित है। 1932 से यहाँ इस तरह के माँ शारदे की प्रतिमा लगती रही है, पंडाल लगते रहे हैं, क्योंकि ये एक लंबा लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की, जब से ब्रिज बनी है राजा बाजार में तब से पंडालों की जो लेंथ है वो छोटी हो गई, लेकिन भव्यताएँ में, उत्साह में या दर्शकों में कोई कमी नहीं आई है। आपको मैं यहाँ के जो मंडली में है या जो इनके सचिव है, कार्यकर्ता है इस पंडाल के या पूजा समिति के, उनसे भी बात कराऊंगा। और इस हिसाब से आप देखें, चूँकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे और पूजा अर्चना किया है, उन्हें भी अच्छा लगा है, ये भी हम लोग को पता चला, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है और अपने प्रदेश को, लोगों को शुभकामनाएं दी है। पहले हम यहाँ के आयोजनकर्ता से बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ है यहाँ की विशेषता और आयोजन के लेकर के क्या कुछ है? यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं, जब से वो बने हैं उसके पहले भी आते थे और लगभग हर साल ही आते हैं, एक आध साल भी गैप नहीं हुआ है उनका आने में। और यहाँ शिवरात्रि वगैरह होता है, शिव मंदिर का भी बहुत काफ़ी महिमा है। 1932 से लगातार हमारे पूर्वजों ने यहाँ दुर्गा पूजा स्थापित किया है, जो कि हम लोग लेकर के चल रहे हैं उस चीज़ को। हर साल कुछ ना कुछ नया पंडाल बनाने को हम लोग को अवसर प्राप्त होता है, उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। इस बार का क्या थीम रखा है आप? इस बार का थीम था उड़ीसा का प्रहरी तितली मंदिर था, वो उसी के तर्ज पर बनाया गया है। कितने सालों से करते आ रहे हैं शिव मंदिर में ये काम? ये काम यहाँ 1932 से दुर्गा पूजा का स्थापित मूर्ति हो रही है। क्लास में पढ़ते हैं आप? टेंथ में। हाँ। इस बार वोट देंगे? हाँ जी। तो माँ दुर्गे से क्या मांग किया है आपने? बस फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली मिल जाए। कर लेंगे। हाँ। आप अकेले आए हैं? नहीं नहीं, पापा मम्मी बुआ सब आए हैं। हाँ। कैसा लगता है आप लोग को यहाँ आए हैं? यहाँ की क्या खासियत है? सब ठीक है। कहाँ से आए? भगत से ही आए। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और लोग यहाँ, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि महिला पुलिस बल की भी यहाँ तैनाती है। और मैं प्रशासन से भी जानने की कोशिश करता हूँ क्या सब व्यवस्थाएं हैं अपनी चुस्ती दुरुस्ती की। हम लोग तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया है, ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या व्यवस्था? हम लोग व्यवस्था यही है, खड़ा रहना है, देख रेख करना है, भीड़ भाड़ को देखना है, भीड़ नहीं लगने देना है। दो महिला हैं और पुरुष हैं, यहाँ पे दो पदाधिकारी हैं, चार पुरुष हैं जो दिन में ड्यूटी लगा है 12 घंटा का, और रात वाला का अगला शिफ्ट हम नहीं लगा। तो देख सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस जगह पर ये जो एरिया है ये बहुत ही भव्यता का एरिया कहलाता है। जो पंडाल या माँ शारदे का जो या नवरात्रा का अष्ट सप्तमी अष्टमी नवमी, ये तीनों दिन बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ मनाया जाता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।